दोस्तों, जब भी पेमेंट्स बैंक का नाम आता है उसमें सबसे पहला जो बैंक है वो आता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नाम। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक बार भी ब्रांच नहीं जाने पड़ते थे, इंस्टेंट आपका अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन हो जाते थे और तुरंत आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते थे, जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कस्टमर आईडी, साथ में आपको अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड इंस्टेंट मिल जाते थे और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड की जाती थी। बट कुछ दिन पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, जिसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर अकाउंट ओपन नहीं होता है। बट कुछ लोग अभी भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट तो ओपन नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक जैसे ही कोई बैंक की तलाश है जिसमें इंस्टेंट ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाए, तुरंत आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जैसे ही आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर तो आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं अभी के टाइम में, बट हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जैसे ही आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक में किस तरह से ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। साथ में अगर आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो वीडियो आज का ये काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आप किस तरह से अपना अकाउंट ओपन करेंगे इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट फैसिलिटी के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो वैसे तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक जैसे ही कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि इंस्टेंट ऑनलाइन ही आपका अकाउंट ओपन हो जाते हैं, तुरंत आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जिसके बाद आप तुरंत अपने अकाउंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड इंस्टेंट मिल जाते हैं जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है। साथ में अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेनी हो तो आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक से फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए भी अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड दी जाएगी, इस फिजिकल डेबिट कार्ड से आप इंडिया के किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन, उसका आप यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको UPI की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो आप कोई भी UPI ऐप यूज करना चाहें जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो आप कोई भी UPI एप्लीकेशन इंस्टेंट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इस बैंक में आप जीरो बैलेंस के साथ अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको कोई भी बैलेंस यहां पर मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। साथ में यहां पर आपको SMS अलर्ट, SMS बैंकिंग के साथ साथ यहां पर आपको फोन बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग और ईमेल स्टेटमेंट की भी सुविधा दी जाती है। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में भी आपको अदर बैंक की तरह ही कुछ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अब ये समझते हैं कि आप किस तरह से एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं जीरो बैलेंस के साथ। एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ से एयरटेल थैंक्स, ये जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, इसे आपको इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे और यहां से आपको एयरटेल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेनी है। इसके बाद एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करते ही सबसे पहले यहां पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से एक OTP कोड सेंड की जाएगी। जो भी OTP कोड आएगा इस बॉक्स में अपना OTP कोड एंटर कर देंगे और यहां से लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपसे यहां पर कुछ परमिशन मांगा जाएगा, जैसे कि लोकेशन का, कॉन्टैक्ट का, तो आपको इन सबको परमिशन को अलाउ कर देनी है। यहां से यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइनली आप एयरटेल एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे और यहां पर आपके सामने एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इसका होम पेज आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले आपको अपना वॉलेट को एक्टिवेट करना होगा और वॉलेट को एक्टिवेट करने के बाद आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वॉलेट को कैसे एक्टिवेट करेंगे, यहां पर देखेंगे आपको ऊपर में गेट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहां पर गेट वॉलेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे और यहां से वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले जो भी आपके नेम होंगे आप अपना फर्स्ट नेम यहां पर एंटर कर देंगे, जो भी मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, वे आपको यहां पर एंटर कर देनी है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स में यहां पर एंटर कर देंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा आप अपना एक ईमेल आईडी यहां पर एंटर कर देंगे और जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा आप अपना पिन कोड यहां पर एंटर कर देंगे। यहां पर आपको सेलेक्ट आईडी प्रूफ का ऑप्शन मिलेगा। आप कोई भी एक आईडी प्रूफ को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आप कोई भी एक आईडी प्रूफ को यहां पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहां पर आप जो भी आईडी प्रूफ को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है, तो आप जो भी आईडी प्रूफ को यहां पर सेलेक्ट करते हैं
उस आईडी प्रूफ का जो भी नंबर होगा वे आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया और आप भी अगर आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर आपको एंटर कर देनी है और इसके बाद नीचे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, टिक लगा कर किसी एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे। अब यहाँ पर आपको एक एम पिन क्रिएट करना होगा। ये एम पिन इस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का है। यहाँ पर आप जो भी एम पिन रखते हैं इसी एम पिन के थ्रू आप इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे। तो आप जो भी एम पिन रखना चाहते हैं यहाँ पर एम पिन एंटर कर देंगे और उसी एम पिन को फिर से दोबारा यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे और इसके बाद यहाँ से डन करेंगे। इसके बाद फाइनली आपका जो वैलेट है ये वैलेट आपका एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको वैलेट के कुछ फीचर्स आपको बताए जाएंगे, जैसे कि 9,000 रुपये की ट्रांजेक्शन आप 1 महीने के अंदर अपने वैलेट से कर सकते हैं। साथ में आपको काफ़ी अच्छा कैशबैक ऑफर भी यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट वगैरह आप वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अकाउंट ओपन करना है तो नीचे में देखेंगे आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में डायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपका वॉलेट जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर व्यू वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप वॉलेट को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके वॉलेट में कितना बैलेंस अवेलेबल है, कौन कौन से ऑफर आपको आते हैं, ये सारी चीज़ें आप वॉलेट के थ्रू यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको अपनी अकाउंट ओपन करनी है। यहाँ पर आपका वॉलेट तो एक्टिवेट हो चुका है, अब आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे में देखेंगे यहाँ पर आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, ओपन बैंक अकाउंट का। आपको यहाँ पर ओपन बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और यहाँ से आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर होगा इस बॉक्स में अपना आधार कार्ड के नंबर एंटर कर देंगे। साथ में जो भी आपके पैन कार्ड के नंबर होंगे यहाँ पर पैन कार्ड के नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, टिक लगा कर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर में आधार वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी कोड सेंड की जाएगी। अपना ओटीपी कोड इस बॉक्स में एंटर कर देंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ से नेक्स्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे। अगले पेज पर अब यहाँ पर आपको फादर्स नेम एंटर करना है। जो भी आपके फादर नेम होगा यहाँ पर एंटर कर देंगे। जो भी मदर के नेम होंगे यहाँ पर मदर नेम एंटर कर देंगे। साथ में आपका मैरिटल स्टेटस क्या है यहाँ से मैरिटल स्टेटस को आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका ईमेल आईडी क्या है यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। आपका प्रोफेशनल टाइप क्या है, आप क्या वर्क करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है, स्टूडेंट है, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नीचे में आपको अपना एनुअल इनकम एंटर करना होगा, सिलेक्ट करना होगा कि आपका साल में कितनी कमाई है। तो यहाँ पर अपना एनुअल इनकम को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे में यहाँ पर देखेंगे आपसे आपका एड्रेस पूछा जाता है कि आपका करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका कौन सा है। अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, वहीं पर आप रहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर नो करना है और आप जिस भी एड्रेस पर अपना वेलकम किट मंगवाना चाहते हैं उस एड्रेस को आप फिल करेंगे। तो हमारे केस में जो हमारे आधार कार्ड पर एड्रेस है वही हमारा परमानेंट एड्रेस है, मैं वहीं पर रहता हूँ, यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने इस अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी का जो भी नेम होगा नॉमिनी का नेम इस बॉक्स में यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का यहाँ पर एंटर कर देंगे। नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन टाइप है रिलेशन टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और नॉमिनी का जो भी एड्रेस होगा अगर आपका एड्रेस नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। अगर नॉमिनी का एड्रेस चेंज है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और नॉमिनी का एड्रेस नीचे में फिल करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अब यहाँ पर आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या सब चीजें होनी चाहिए उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर नीचे में देखेंगे शेड्यूल 9 का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर शेड्यूल 9 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप शेड्यूल 9 पर क्लिक करते हैं आपको अपना डेट सेलेक्ट करना होगा कि आप किस डेट को वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं। इसके बाद आपको टाइमिंग सेलेक्ट करना होगा कि उस डेट को किस टाइम में आप वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं और फिर आपका शेड्यूल सेट हो जाएगा आपके ईमेल पर। साथ में आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दिए होते हैं उस पर में एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए एक लिंक आपको प्रोवाइड की जाती है और इसके बाद जो भी डेट जो भी टाइमिंग आप सेलेक्ट किए रहते हैं उस डेट को उस टाइम में आप उस वीडियो कॉल वाले केवाईसी वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है और एयरटेल पेमेंट्स बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़ जाते हैं। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड दिखाने होते हैं, साथ में एक ब्लैंक पेपर पर सादा पेपर पर आपको सिग्नेचर करके दिखाने होते हैं और फिर इजिली आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाते हैं जो भी आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको ईमेल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, साथ में आपको टेक्स्ट SMS भी कर दी जाती है मोबाइल नंबर पर। जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है वही आपका अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड वगैरह सारी चीजें आपको सेंड कर दी जाती है। इसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे एम पिन डाल करके। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी पेमेंट करना हो, मनी ट्रांसफर करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, सारे काम आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आपको स्कैन QR का भी ऑप्शन मिल जाता है, QR कोड भी आप स्कैन करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा और भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किसी के मोबाइल नंबर पर भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के यूपीआई आईडी पर भी आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट में भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप इसी तरह से एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपका अकाउंट अभी ओपन नहीं होगा, बिकॉज पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अभी बैन कर दिया गया है। तो आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।